हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो अभी रिसेंटली CCPI, जिसको कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स बोलते हैं, वो 2021 के लिए रिलीज़ किया गया। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ की इसमें क्या पोजीशन है, और ये जो इंडेक्स है इसको किसके द्वारा और किस बेसिस पे इसमें कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इसको किसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो एक जर्मन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है जर्मन वॉच। उसके द्वारा एनुअली बेसिस पे इस इंडेक्स को इंडिपेंडेंटली रिलीज किया जाता है। इसको फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था 2005 में, 2005 में, और उसके बाद से अब तक इसको रिलीज किया जाता है, जिसमें कि टोटल 57 कंट्रीज प्लस में यूरोपियन यूनियन जो है, इन सबको मिला के रैंक किया जाता है, जिसमें कि बेसिकली जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, उस बेसिस पे इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। अब इसका क्राइटेरिया अगर हम देखें तो जो CCPI इंडेक्स, इसको मेनली चार कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि 14 इंडिकेटर्स पे बेस्ड होती हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी का यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी। अब यहाँ पर जैसे आप बात करें किसी कंट्री के द्वारा, अगर मान लो 50 स्कोर किया गया है, ठीक है, तो 50 स्कोर में से जो 40% जो स्कोर किया गया होगा उसको कंट्रीब्यूट किया जाता है ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा, और 20% का कंट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, 20% का एनर्जी यूज़ के द्वारा, और 20% का जो होता है वो क्लाइमेट पॉलिसीज़ के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। अब इसके कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी होते हैं, जो टोटल 14 कंपोनेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि 20% जो क्लाइमेट पॉलिसी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, उसमें 10% नेशनल क्लाइमेट पॉलिसी होती है और 10% इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसी होती है। वैसे ही जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है, जो कि 40% कंट्रीब्यूट करता है, उसमें 10% करंट लेवल क्या है ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन पर कैपिटा का, पास्ट ट्रेंड क्या रहा है उसका 10% कंट्रीब्यूशन होता है, उसके अलावा करंट लेवल क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का पर कैपिटा का, जो कि अगर मान लो हम उसको बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कंपेयर करें, तो उसके साथ साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन का टारगेट रखा गया है 2030 तक का, उसका भी 10% यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता है। तो इस बेसिस पे ही, इन सारे कंपोनेंट की हेल्प से, जो CCPI इंडेक्स है उसमें कंट्रीज को स्कोर दिया जाता है, और उस स्कोर के बेसिस पे ही किसी भी कंट्री की रैंकिंग यहाँ पे डिसाइड होती है। अब अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो जो फर्स्ट थ्री पोजीशन है इस इंडेक्स में 2021 के लिए, वो किसी भी कंट्री के द्वारा अचीव नहीं की गई। फोर्थ पोजीशन पे स्वीडन रहा है, फिफ्थ पे यूनाइटेड किंगडम, सिक्स्थ पे डेनमार्क, सेवन्थ पे मोरक्को, एट्थ पे नॉर्वे, नाइन्थ पे चिली, और टेंथ पोजीशन पे इंडिया इसमें रहा है। और G20 कंट्रीज में, जो 6 G20 कंट्रीज हैं, उनकी परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी लो रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम USA देखें, तो USA की जो 2021 के CCPI इंडेक्स में रैंकिंग रही है वो 61 पोजीशन, 61वीं रैंक रही है, जो कि काफ़ी वर्स्ट परफॉर्मेंस को माना जाता है। अब यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 2020 में भी इंडिया की रैंकिंग जो थी इस इंडेक्स में 10th पोजीशन पे थी, विद 63.98 के स्कोर के साथ, जो कि 100 में से स्कोर दिया जाता है। और इस साल भी 2021 के लिए भी इंडिया की जो रैंकिंग है वो सेकेंड टाइम टॉप 10 पोजीशन पे ही रही है। यहाँ पे जो भी CCPI के मेन कैटेगरीज जो थी, चार कैटेगरीज, उनमें सबसे हाई रैंकिंग जो है, काफ़ी अच्छी रैंकिंग इंडिया को मिली है। बट यहाँ पे एक इंडिकेटर को छोड़ के, जो रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी थी उसको छोड़ के, बाकी सब में इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हाई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और रिन्यूएबल एनर्जी वाली कैटेगरी में इंडिया की जो परफॉर्मेंस थी वो मीडियम इसमें बताई गई है। और लास्ट ईयर की हम बात करें, 2019 में जो इंडिया की रैंकिंग थी इस CCPI इंडेक्स में, वो 9th पोजीशन पर थी विद स्कोर 66.02। अब यहाँ पे बाकी ईयर्स में भी, जैसे 2018 में इंडिया की रैंकिंग 11th पोजीशन पे थी, जब 2014 में इंडिया की रैंकिंग की गई थी तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 31st पे हुआ करती थी, 31वीं रैंक थी, जो कि अभी 2021 के लिए 10th पोजीशन पे आ गई है। तो काफ़ी अच्छा इंडिया के द्वारा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया गया है। बट यहाँ पे जो रिपोर्ट है, इसके द्वारा इंडिया के लिए ये सजेस्ट किया गया है कि इंडिया का जो मोर फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे होना चाहिए। और जो ये रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी है, इसमें किसी भी कंट्री के द्वारा हाई परफॉर्मेंस नहीं दी गई इंडिया के द्वारा, जिसमें कि मीडियम परफॉर्मर इंडिया को बताया गया। इंडिया की रैंकिंग इस कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो 57 कंट्रीज में से 27 पोजीशन पे थी एज ए मीडियम परफॉर्मर। और लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंकिंग थी इस
कैटेगरी के अंदर 26th पोजीशन पे थी और इंडिया को हाई परफॉर्मर कैटेगराइज इसके अंदर किया गया था। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन CCPI यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव गुड डे।